हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सीखने जा रहे हैं पैसिव्स बनाना निगेटिव सेंटेंस का, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस में होते हैं। रूल देखते हैं। सबसे पहले, यदि एक्टिव वॉइस डू नॉट या डोंट से प्रारंभ हो तथा उसमें कोई कार्य को ना करने का आदेश हो तो पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? तो पैसिव वॉइस निम्न प्रकार से बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले पैटर्न में क्या करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं, या फिर आप कमांडेड लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड या कमांडेड में से एक, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर कमांडेड। उसके बाद में प्लस नॉट टू, फिर वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये एक तरीका ये पैसिव बनाने का। दूसरा तरीका है, सबसे पहले लेट लिखें, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखें, फिर बी का प्रयोग करें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आवश्यकता अनुसार बाय यू का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला भी एक तरीका है, सबसे पहले यू और फॉरवर्ड लिखें, उसके बाद टू लिखें, फिर वर्ब लिखें, फिर ऑब्जेक्ट लिख दें। इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल इसके कैसे हैं, कैसे बनाते हैं। जैसे आपका सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, डू नॉट कॉल हिम, मतलब उसे मत पुकारिए, डू नॉट कॉल हिम। पैसिव वॉइस कैसे बनाएं? सबसे पहले हम करें क्या, कई प्रकार से हमने बताया है, जो भी आप तरीके से बनाना चाहें बना सकते हैं। पहला तरीका तो यह है, सबसे पहले आपको लिखना है यू आर ऑर्डर्ड, आप यू आर ऑर्डर्ड लिख दें, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद में क्या करें, नॉट टू। उसके बाद में जो है वर्ब लिखें, वर्ब क्या है, कॉल। उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम, ये बन गया, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू कॉल हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। दूसरे प्रकार से बना सकते हैं, चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरे प्रकार से बताएंगे। डोंट डू इट, जैसे ये हमारा एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं, इसको हम लेट से ही बना सकते हैं। सबसे पहले लिखें लेट, लेट लिखने के बाद में क्या करें, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी इट, लेट इट, फिर नॉट का प्रयोग करें, नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन, फुल स्टॉप। बाय यू आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बन गया हमारा पैसिव वॉइस लेट इट नॉट बी डन। और भी एक तरीका है पैसिव वॉइस बनाने का, जैसे लिखा है डू नॉट ईट द फूड, आप इसको फॉरबिड वाले नियम के तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा यू आर फॉरबिड। उसके बाद में टू यूज करें, टू के बाद में वर्ब क्या, ईट, टू ईट द फूड, ऑब्जेक्ट लिख दें, और ये हमारा पैसिव बन गया, यू आर फॉरबिड टू ईट द फूड। तीन प्रकार से पैसिव बनाई जा सकती है। यदि तुम्हारे सेंटेंस में डू नॉट, आपका सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो या डोंट से स्टार्ट हो और उसमें किसी कार्य को ना करने के लिए आदेश दिया जाए या मना किया जाए, उसको हम पैसिव वॉइस तीन प्रकार से बना सकते हैं। पहला तरीका यू आर ऑर्डर्ड आप यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ कमांडेड यूज कर सकते हैं, फिर नॉट टू का प्रयोग करें, फिर जो है वर्ब का प्रयोग करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। दूसरा तरीका लेट से बना सकते हैं, लेट पहले लिखें, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करें, फिर नॉट बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा तरीका है जो बहुत ही आसान, यू आर फॉरबिड लिखें, उसके बाद में टू का प्रयोग करें, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते क्योंकि फॉरबिड में ही आ जाता है, यू आर फॉरबिड, फिर टू, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस आपके रेडी हो गए।